दिल्ली से सटे साइबर सिटी गुरुग्राम में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है, जहां वीरवार शाम फरूखनगर इलाके में एक होंडा सिटी कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे गड्ढे में जा गिरी, जिसके बाद कार में अचानक आग लग गई, जिसमें कार में बैठा एक शख्स बुरी तरह से झुलस गया, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे कार सवार को घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। दरअसल झज्जर फरूखनगर गुरुग्राम स्टेट हाईवे पर निर्माणधीन के एमपी सुपर एक्सप्रेसवे के समीप एक तेज रफ्तार होंडा सिटी कार पुलिया से टकराकर नीचे गड्ढे में जा गिरी। टक्कर इतनी भयानक थी कि कार के परखच्चे उठ गए और देखते ही देखते कार में सवार एक व्यक्ति को बाहर निकालते ही कार में आग लग गई। कार में सवार दूसरा व्यक्ति कार के साथ ही जिंदा जलकर राख हो गया, जबकि दुर्घटना में घायल व्यक्ति को उपचार के लिए एसजीटी अस्पताल भेज दिया गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लोगों की सहायता से मिट्टी डालकर आग बुझाने के भरसक प्रयास किए, लेकिन सफल नहीं हुए। जब तक दमकल विभाग की गाड़ी मौके पर पहुंची, तब तक सब कुछ स्वाह हो चुका था। पुलिस ने कार के साथ जले कंकाल को कब्जे में लेकर पंचनामे के लिए भेज दिया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। मरने वाले शख्स की पहचान नहीं हो पाई है और घायल अभी बयान देने की हालत में नहीं है। उसके होश में आने के बाद ही पूरी घटना की सच्चाई सामने आ पाएगी।